तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे 5 बेस्ट हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स जो इस समय आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, जो 2 मंथ रेगुलर आपको जो फूल हैं वो देते रहेंगे, और ये जो पौधे हैं वो आपको काफ़ी कम रेट में मिलेंगे। और दोस्तों, वो कौन से प्लांट्स हैं, उनके नेम रेट वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप वीडियो को बिना मिस किए देखना, ताकि दोस्तों आपको भी पता चले वो कौन से 5 हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो इस समय आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ प्राइमुला के बारे में, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें आपको क्या है कि जो 8 से 10 कलर हैं वो मिल जाएंगे, और ये जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, और जो फूल हैं वो भी बंच में आते हैं, और एक बार फूल आने के बाद कम से कम 10 से 12 दिन तक जो इसका फूल है वो टिका रहता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी प्यारा पौधा है, इसे आप अभी लगा लें, और ये जो पौधा है, ये आपको जो फूल है वो आपको ये 2 मंथ रेगुलर देता रहेगा। तो ये जो पौधा है आपको सिर्फ 20 से 30 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो चलिए, दूसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ कैलेंडुला के बारे में। तो दोस्तों, कैलेंडुला एक विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में इस पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और ये जो पौधा है ये आपको सिर्फ 10 रुपये में किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। वैसे तो विंटर में इस पौधे को बीज से ग्रो किया जाता है सितंबर और नवंबर के महीने में, लेकिन इस समय आपको जो पौधा है वो तैयार मिल जाएगा, तो इस पौधे को आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीज़न के लिए जो फूल के बाद इसके सीड होते हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीज़न आप इसे बीज से इजी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है ये बीज से इजी ग्रो हो जाता है। इसमें 2 कलर मिलते हैं, येलो और ऑरेंज, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और फूल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नर्सरी में ये जो मेरे पास पौधे हैं इनके ऊपर कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, आप देखिए कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं। तो चलिए, आगे मैं बात कर लेता हूँ पेंजी के बारे में। और जो पेंजी है वो भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इस समय पेंजी के ऊपर भी जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फूल आ रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, और ये जो पौधा है जी आपको मिल जाएगा सिर्फ 10 रुपये में। तो चलिए, आगे मैं बात कर लेता हूँ पेटूनिया के बारे में। तो पेटूनिया का जो पौधा है वो भी इस समय आपको सिर्फ 15 रुपये की रेंज में मिल जाएगा, और पेटूनिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावरिंग है वो हो रही है। इसमें कलर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, डबल पैटर्न में मिल जाएंगे, और दूसरा जो है आपको जो स्टार वाला पेटूनिया है वो सिर्फ 10 रुपये में मिल जाएगा। तो पेटूनिया को भी इस समय आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, इसे आप ट्रे में लगा सकते हैं, और पेटूनिया को ज़्यादा जो केयर की अभी ज़रूरत नहीं है, धूप में रखना है, सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, तो आपके पेटूनिया के ऊपर फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो पेटूनिया को भी आप इस समय ज़रूर लगाएं। तो चलिए, आगे मैं बात कर लेता हूँ बेगोनिया के बारे में। तो बेगोनिया को अगर आप सर्दी में लगाते हैं और गर्मी में जो बारिश से बचा लेते हैं, तो आप परमानेंटली जो है इस पौधे को बचा कर रख सकते हैं, और बेगोनिया का पौधा आपको मिल जाएगा सिर्फ 30 रुपये की रेंज में। इसमें आपको 3 कलर मिल जाएंगे, तो ये जो पौधा है ये भी आप ज़रूर लगाएँ। तो चलिए, आगे मैं बात कर लेता हूँ आइस प्लांट की। तो जो आइस प्लांट है ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इस समय आप फूल देखिए कितने ज़्यादा जो फूल हैं इस पौधे के ऊपर आ रहे हैं, और कलर भी कितने प्यारे हैं, और जो फूल हैं वो भी कितने प्यारे हैं। तो ये जो पौधा है ये सिर्फ आपको 5 रुपये की रेंज में हमारे पास नर्सरी से मिल जाएगा। नर्सरी का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कोई आपने केयर नहीं करनी, नर्सरी से ऐसी पॉलिथीन में पौधा आपने लेना है, आपको मिल जाएगा किसी भी नर्सरी से, इस समय आपको मिल जाएगा, और 2 मंथ अप्रैल के महीने तक ये जो पौधा है वो फूल देता रहेगा। तो ये भी आप सिर्फ 5 रुपये या फिर आपको 10 रुपये में आपके आसपास की नर्सरी से मिल जाएगा। हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, 2 मंथ तक आपके घर में फूल ही फूल रहेंगे, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आज आपको ये पौधे बताए, ये 5 से 6 पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। सिर्फ 2 मंथ के लिए ही ये जो पौधे हैं वो आपके पास फूल देते रहेंगे, और दूसरा क्या है कि इनकी जो आपको केयर है वो भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नेक्स्ट सीज़न के लिए इनसे जो आप सीड हैं वो कलेक्ट कर कर अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न आप उन्हीं बीज से और नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाई टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।